पर सुबह को खराश भी आई, तुझे यहीं जिंदा चला दूंगा मैं। अब अगर तूने मुझे एक भी धमकी दी ना, तो इससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। अब तुम सबके बचने का एक ही रास्ता है कि तू मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग। शौकी, अच्छा ठीक है, मैं माफी मांगता हूं। थैंक यू शौकी, थैंक यू। उसके बाद तुम दोनों की भी बारी है बंटू। बस कहा था ना, बब्बर शेर को गन दिखाकर आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछता, खेल खत्म तेरा। नहीं 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 नहीं, आशिक चौधरी, आशिक, आई एम जोकिंग, मजाक कर रहा बाजी, जोक मजाक। चल खेल खत्म हो गया तेरा, बैठ, मुर्गा बनो सारे, बनो बनो बिल्कुल बनो भाई। मैं भी बनू, मैं भी बनू भाई। देखिए भाई, आवाज निकालो भाई। हाँ आवाज निकालो। निराली जी। हाँ कौन आए? कौन है? यही वो घटिया इंसान है जिसने आपकी बच्चों को किडनैप करने की घटिया हरकत की। नहीं नहीं नहीं, चुप! आशिक चौधरी, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, कमबख्त। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अरे पड़ो इन, चित्र लाओ, जूते मारो, पे ऊपर का चित्र लाओ, ले जाओ इनू, लेके जाओ इसे। हाँ मेरी 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 बात, ओए 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 ओए, बंटी जी, ये लो। वाह, चाय स्पेशल मेरे लिए? जाहिर सी बात है, तुम तो स्पेशल मुझे बचाने आए तो स्पेशल चाय तो बनती है ना। हाँ हाँ हाँ, बचाने तो आया मैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? वैसे भी ये घर घर नहीं लगता आपके बगैर है। हाँ एक मिनट, ये रखे। क्या हुआ? अरे सबर तो कीजिए, ये देखिए भाई, दूध का पहला उबाल जैसे ही आता है मैं सारी मलाई खट्टी कर लेता हूँ। मलाई वाली चाय का मजा ही कुछ और है। तुम नहीं सुधरोगे ना। चलो ये लो अपनी मलाई वाली चाय पियो। एक मिनट, एक कप मेरा, एक कप आपका, तो ये एक्स्ट्रा कप किसका है? ये एक्स्ट्रा कप, ये है मिक्स टी चाय, मिक्स फीलिंग्स वाले हीरो के लिए। हीरो के लिए? तुम नहीं समझोगे, पलाई तो देते जाओ। हाँ ये ये, ध्यान से कहीं चांद को नजर ना लगाते रहे। चाय अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। शुक्रिया जी। थैंक यू शौकी, तुम ना होते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। कुछ नहीं होता, और जब तक मैं आपको कुछ हो भी नहीं सकता। चाय।
वैसे हर भी अच्छे अपना लेते हो तुम। जैसे तुमने उस आशिक चौधरी को बेनकाब किया, मैं तो ये सोच रही हूँ कि निराली जी पे क्या बीतरी होगी। ख्वाब चिकना चूर हुए हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब ना होगा म्यूजिक ऑडिशन और ना होंगे उस्ताद जी। अब वो चौधरी आशिक के साथ साथ उस्ताद जी भी, वो उस्ताद जी चले गए। कुछ कहा? नहीं, चाय। किया जी ने। जब तक ये खत आपको मासूम होगा, तब तक मैं अपनी लखनऊ की ट्रेन पर चढ़कर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँगा। सोचा था मुलाकात करके जाऊं, मगर फिर सोचा कि क्या फायदा। बहुत कोशिश की कि जो इल्म मैंने न जाने किस किस उस्ताद के पांव की धूल छान कर सीखा, आपको उससे फैजयाब कर सकूं, लेकिन शायद आपके नसीब में नहीं है ये सब। आपका और मौसी का चोली दामन का साथ नहीं है, आपके घर का माहौल और उसमें अनगिनत खलल। दौड़दम दौड़दम दम 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 दम। कभी किसी आशिक का आना, कभी किसी माशूक का फंस जाना, फिर उस आशिक को आपकी बेटी का अगवा करना और फिर मुलाजमों का सुपरमैन बन जाना, बड़े बड़े अतरंगी से हैं आप लोग, मेरी समझ से दूर, मेरे मिजाज से परे। बस दिल लुचाट हो चुका है, जा रहा हूं मैं ये सर जमीन छोड़कर, और आप गुलुकारी को खैरबाद कह दीजिए। हाँ, अगले जन्म परवरदिगार ने भेजा तो ये उस्ताद जरूर नाजिल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब ऐसा भौचाल आएगा इस घर में, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हट जाओ, दफा हो जाओ।